सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको तीन आसान प्रार्थना करने के तरीके बताऊंगा। यदि आप प्रभु में नए आए हैं और आपको प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप आसानी से इन तरीकों के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 100 अध्याय वचन 4 में, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको अगर प्रार्थना करनी नहीं आती तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए, परमेश्वर ने जो चीज़ें आपको दी, आपके घर के ऊपर आशीष और बरकत को रखा, उन सब बातों के लिए प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करना एक प्रार्थना है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं। और अब मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से प्रार्थना कर पाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4 अध्याय वचन 6 से लेकर वचन 7 तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दूसरा काम आपको प्रार्थना में करना है कि अगर आपको जरा सी भी प्रार्थना करनी नहीं आती तो आपको परमेश्वर से बताना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं, और अपनी चिंताओं के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना में बताएं। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं वैसे ही आप परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर से आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, आप परेशानियों को रख सकते हैं या जो कुछ आपकी ज़रूरतें हैं परमेश्वर के आगे रखें और प्रार्थना में कहें कि परमेश्वर मेरी ये ज़रूरतें हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनें और मेरी ज़रूरतों को पूरा करें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कुछ परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देंगे। अपनी चिंताओं को परमेश्वर को बताएं और आप आसानी से परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बात कर पाएंगे। यदि आप प्रभु में नए हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करें। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे, और जिस काम को आप करना चाहते हैं यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे, तो आपको प्रार्थना में कहना है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे और मुझे सिखाए। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप बहुत जल्द पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई में होकर चल पाएंगे और आपके हर एक काम सफल होंगे। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुँचे। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुँचता रहे। और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर अपने प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।